नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। लखनऊ में बिजली चोर पकड़े जाने के डर से छत पर लेटकर कटिया हटा रहा था और ये सब कुछ ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था, देखें इन तस्वीरों में। सपा के वरिष्ठ नेता की कांग्रेस में होगी एंट्री, सपा नेता सीपी राय आज थामेंगे कांग्रेस का दामन। मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे डॉक्टर सीपी राय दोपहर 2:30 बजे पार्टी की सदस्यता लेंगे। सीपी राय सपा सरकार में 2 बार दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रह चुके हैं। सीपी राय आगरा के बीआर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे। सीपी राय मूल रूप से आजमगढ़ के निवासी हैं। डॉक्टर सीपी राय माफिया संजीव जीवा की हत्या करने वाला विजय यादव था बी काम पास। विजय यादव के पिता ने बताया कि उसने बोला था लखनऊ में काम मिल गया है। सुने इनकी जुबानी। सर मुझे हमको मालूम नहीं कुछ चीज क्या करते थे विजय ये जो कि पहले जो कि बम्बई में रहता था, टाटा कंपनी में काम करता था। वहाँ से आने के बाद यहाँ 1.5 महीना घर पे था। घर से आने के बाद तो ये मई में शादी पड़ा, 10 मई को। 10 मई को हमारे साले के लड़के की शादी में था। 11 मई को तो यहाँ से लखनऊ निकल गया। हमको बोला बाबा हमको किराका तब छोड़ दो, हम किराका छोड़ के चला गया। तो वहाँ से वो फ़ोन किया, वो बोलता हम काम का तलाश कर लिया हूँ, ये जो पाइप वाला काम है, जल पाइप वाला, इसी में काम करता हूँ। क्योंकि हमको टाटा में बराबर पगार नहीं मिलता था, तो उतने हमको इधर ही मिल रहा है तो इधर ही रहेंगे। इसके बाद फिर उससे संपर्क नहीं हुआ। आखिरी बार कब संपर्क? आखिरी 11 तारीख को, 11 मई। तो ये जो काम की तलाश कर रहे थे वो किस जगह पर कर रहे थे? ये लखनऊ में बताया। अच्छा, क्या लखनऊ में इससे पहले क्या किसी तरीके की ऐसी किसी घटना में? नहीं सर, कुछ नहीं। हाँ। कुछ भी नहीं, गांव में भी कोई विवाद नहीं, किसी से भी कौन उठवा नहीं। आप उनके पिता हैं, पढ़ाई लिखाई आपने उनकी कराई, कहाँ से कराई, क्या घर की स्थिति क्या है? जौनपुर से फोन किया था, ये काम किया था। अच्छा, हसन कॉलेज करके था उन्होंने जौनपुर में। कितने कुल भाई बहन हैं? 4 भाई हैं। क्या इनका विवाह वगैरह कुछ हुआ था, शादी वगैरह? जी नहीं, शादी इनका नहीं हुआ, दूसरा नंबर थी। क्या उम्र रही है विजय की? इनका 25-26 साल होएगा। कितने बड़े घटनाक्रम में नाम आ रहा है सामने, पुलिस ने पकड़ा सर? यही तो हमारे भी समझ में नहीं आया ना कि ये जो कि कभी ऐसा कुछ काम ही नहीं करता था, लेकिन ऐसा काम कैसे कर गया है। तो हम तो चाय पीने के लिए गया था, हमको प्रधान जी बताने लगे ऐसा घटना हो गया, तुमको कुछ मालूम है? हम बोला नहीं, हमको कुछ नहीं मालूम है। सर आए थे तो मोबाइल में लगे दिखाने, बोलती ये तुम्हारा लड़का? हम बोला हाँ। बोले ऐसा ऐसा काम किया, किसी को मार दिया। आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी इससे? जी आखिरी बार फोन कब आया था? बात सर तो कभी हुआ ही नहीं, वही 11 तारीख को लास्ट मुलाकात है। क्या इसका कोई ऐसा दोस्त वगैरह है जो ऐसा? शामली में संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा के बच्चे पहुंचे पैतृक गांव। संजीवा जीवा की बहन बच्चों को लेकर पहुंची गांव। जीवा के 3 लड़के एक लड़की को लेकर पहुंचे गांव। कुछ समय बाद पहुंचने वाला है जीवा का शव। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम युवक द्वारा कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का फोटो किया सोशल मीडिया पर वायरल। मुस्लिम युवक अरशद राणा नाम के व्यक्ति ने अपने फेसबुक पोस्ट से की थी शेयर। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के साथ महिला का गले मिलते फोटो किया वायरल। मुजफ्फरनगर धीरेन्द्र शास्त्री के अनुयायियों में भारी रोष। मुजफ्फरनगर नई मंडी कोतवाली में पहुंचे हिंदू संगठनों ने की शिकायती पत्र। मुजफ्फरनगर नई मंडी कोतवाली का है पूरा मामला। वाराणसी चेतगंज थाना के अंतर्गत तेलियाबाग चौराहे पर कशिश इंटरप्राइजेस की दुकान में लगी भीषण आग। मौके पर फायर ब्रिगेड भी मौजूद। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।